नॉर्मली हम कलर ऐसे अप्लाई करते हैं पेंटिंग में डायरेक्ट विदाउट यूजिंग अ वाटर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बैकग्राउंड पेंटिंग। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पोस्टर कलर, और ये पोस्टर कलर मैंने जैसे कि मोस्टली बिगनर्स यूज़ करते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होती, तो हम डायरेक्ट कलर यूज़ करते हैं। डायरेक्ट हम ब्रश में कलर लगा के एंड बैकग्राउंड को कलर करते हैं, जैसे कि इस पेंटिंग में आपको मैं दिखा रही हूँ कि हम यूज़ली इस तरीके से पेंटिंग करते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम कि ये कितनी डार्क पेंटिंग है, ये पर्पल डार्क। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पेंटिंग में मोस्टली जो बिगनर्स होते हैं वो डायरेक्ट कलर अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं शेड लाइट दिख रहा है, कहीं कहीं डार्क दिख रहा है, और जिससे पेंटिंग अगर आप कोई बैकग्राउंड बनाते हो तो वो पेंटिंग में बहुत इफ़ेक्ट पड़ जाता है कि वो पेंटिंग उतनी नहीं निखर के आती जितनी एक्चुअल आप उसमें मेहनत की होते हो। तो आप देख सकते हो उसमें। अब इस पेंटिंग में हम सीखने जा रहे हैं जो एक्चुअल आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे पेंटिंग बनाते हैं। तो पहले आपको पानी की लेयर लगानी होगी आपके पूरे बैकग्राउंड में, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको कलर अप्लाई करना है, वो भी कलर लाइट यूज़ करना है आपको। ट्राई कीजिए कि आप लाइट स्टार्टिंग में आप जितना लाइट यूज़ कर सकते हैं आप उतना कीजिए। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप उसको थोड़ा और डार्क कर सकते हैं, बट शुरुआत में एज अ बिगनर आपको लाइट कलर ही यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पे अगर आपको लगता है कि पेपर ड्राई हो गया है और कलर वहाँ पे स्टिक हो जा रहा है, तो वहाँ पे हल्का सा वाटर अप्लाई कीजिए और जो कलर है उसको लाइट ही रखिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे पेंटिंग कर रही हूँ, और अभी आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा सा कलर ऐड, पानी ऐड करके ये पेंटिंग बना रही। और अभी जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ पहले वाटर, जहाँ पे पेपर सूख जा रहा है तो पहले वाटर लगा रही हूँ, फिर उसके बाद पेंट यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ गाढ़ा हो जा रहा है वहाँ पर हल्का सा पानी में ब्रश को लगा करके उससे हम थोड़ा लाइट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी मैं पानी अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करते करते ये सूख जाता है पेपर। तो अभी मैंने यहाँ पर वाटर अप्लाई किया और यहाँ पर, तो अब हम लोग लाइट पर्पल कलर यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इस तरीके से आपके हैंड भी बहुत फ्रीली मूव करते हैं, जैसे कि आप दूसरे पेंटिंग में देख ही सकते हैं बहुत रिस्क होता है, और इसमें आप हैंड फ्रीली मूव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी एरिया को डार्क करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप दोनों पेंटिंग में से कंपेयर कर सकते हैं कौन जो ज़्यादा आपको बेटर लगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी ज़्यादा बेटर लगी। तो जैसे कि अभी मैंने डार्क शेड किया है इसके ऊपर, तो अभी हल्का सा ब्रश में पानी यूज़ करके इस तरीके से, और फिर डार्क जहाँ पे कलर ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है उसको आप पानी से रिमूव कर सकते हो। बट नीचे आपका अगर पहले ही वाटर लगा होगा, आपका पेपर हल्का गीला होगा, तभी ये वर्क करता है। डार्क सूखे पेपर पे आप डार्क कलर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो वो नहीं होता है, वो स्टिक हो जाएगा वहीं पर, वो उसकी स्टे जो पैचेस जैसे दिखेंगे वहाँ पर। सो आप पहले वाटर अप्लाई कीजिए, ये बेसिक है। अगर आप कोई भी पेंटिंग बनाते हैं तो आपको उसमें वाटर अप्लाई करना ही है, क्योंकि आप नहीं करोगे तो उस पेंटिंग का जो लुक होता है ना वो थोड़ा अलग दिखता है, और कुछ कुछ पेंटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से आप डार्कर शेड को लाइट भी कर सकते हो वाटर यूज़ करके, और अगर आपको चाहिए तो आप डार्क भी कर सकते हो। और आपको जैसे कि बहुत लोगों को डार्क कलर पसंद होता है, या फिर पेंट कलर की रिक्वायरमेंट होती है बैकग्राउंड पेंटिंग की या फिर फोटोज़ वगैरह की, कि बैकग्राउंड डार्क चाहिए होता है, तो आप उससे एक एक शेड अप करके, एक एक शेड बढ़ा करके पेंटिंग कर सकते हो, जिससे कि आपकी पेंटिंग लाइट भी दिखे और रिस्क भी ना हो, और इवन एक एक कलर जैसा दिखे।
ज़्यादा कहीं, जैसे कि आप दूसरी पेंटिंग में देख सकते हैं, कहीं वाइट है, कहीं डार्क है, कहीं डार्क पर्पल है, कहीं कहीं वाइट वाइट दिख रहे हैं स्पॉट्स, और इस पेंटिंग में कैसा है कि आप इक्वली देख सकते हो। तो जैसे कि अगर आपको, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ, बैकग्राउंड को अगर थोड़ा सा डार्क करना है तो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड क्या, अगर आप कहीं पे भी सेंटर में भी अगर कहीं पे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है किसी पेंटिंग में, आपको यूज़ करना है ये बैकग्राउंड, तो वहाँ पर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से आप किसी भी बैकग्राउंड को अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे उससे कम डार्क है, और यहाँ पे वाइट है, और यहाँ पे भी हल्का सा दिख रहा है स्पेस, ये और ये, आप दोनों को, इस दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी पेंटिंग ज़्यादा बेटर है। और शुरुआत के लिए आप इसे ऐसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।